नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं हिंदी राशि। बिग बॉस शो में जसलीन मथारू और शिवाशीष मिश्रा अलग अलग जोड़ी के साथ जरूर आए थे, लेकिन घर के भीतर दोनों की केमिस्ट्री बढ़िया हो गई थी। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद अक्सर ही जसलीन शिवाशीष साथ स्पॉट होते रहते हैं। ऐसा कहा जाने लगा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन शिवाशीष ने इस अफवाह पर रोक लगाते हुए एक संदेश दिया है। वो क्या है आप भी जान लीजिए। शिवाशीष ने इंस्टाग्राम पर एक जसलीन के साथ की तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों अपनी टोन बॉडी प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में शिवाशीष ने लिखा है, किसी को हमेशा पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रेमी होने की जरूरत है, आप भी हमारी तरह अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। इस तर्ज पर करीना कपूर खान ने अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हुए लंदन से मुंबई के लिए वापसी की है। करीना कपूर खान अपने डांस शो डांस इंडिया डांस में पहुंचते समय स्पॉट हुई हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए करीना कपूर खान बड़े ही ग्लैमरस अंदाज में दिखी। अभिनेत्री ब्लड रेड कलर की बेहद हॉट ड्रेस में नजर आईं। करीना कपूर की ये ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, लेग्स पर भी डीप कट था। करीना कपूर ने अपने इस लुक को न्यूड मेकअप से कंप्लीट किया है। आप भी देखें करीना का हॉट अंदाज। टीवी का चर्चित शो संजीवनी फिर एक बार दस्तक देने को तैयार है। कुछ देर पहले ही इस शो का टीजर लॉन्च किया गया है, जो पुरानी यादें ताजा कर रहा है। टीजर की शुरुआत में हम देख पा रहे हैं कि गुरदीप कोहली और मोहनीश बहल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। बाहर आते ही उन्हें सुरभि के साथ साथ नमित खन्ना भी ज्वाइन कर लेते हैं। टीजर के बैकग्राउंड में संजीवनी की पुरानी वाली धुन बजती हुई सुनाई दे रही है, जिसे सुनने के बाद सुकून सा फील हो रहा है। मेकर्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, संजीवनी के हमारे डॉक्टर्स आपके दिलों में अपनी जगह बनाने आ रहे हैं, जल्द आ रहा है स्टार प्लस पर। जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से दया बैन चली गई हैं, तब से ही मजा नहीं आ रहा। हम सभी को शो में दया बैन के वापस आने का इंतजार है ही, पर खुद जेठालाल भी ईश्वर से मना रहे हैं कि उनकी दया गोकुल धाम में वापस लौट आए। मीडिया से बात करते हुए दिलीप जोशी ने कहा, दिशा ने इस रोल को 10 साल तक निभाया है, ये कम वक्त नहीं होता। मैं जानता हूं कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो एक आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट सेट से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिशा वकानी जल्द ही शो पर वापस आए। उन्होंने इस कैरेक्टर को पहचान दिलाने के लिए काफी मेहनत की है और ये बेकार नहीं होना चाहिए। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन और लीवर में घाव की वजह से विवेक दहिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों तक इलाज करवाने के बाद अब विवेक ठीक हैं। इस बारे में बात करते हुए विवेक की पत्नी दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी तकलीफ शेयर करते हुए कहा, अस्पताल में रहना कितना डरावना था। वो 5 दिन मेरे और उनके परिवार वालों के लिए किसी नरक से कम नहीं था। विवेक की बिगड़ रही तबीयत देखते हुए किसी भी तरह का कोई फैसला लेना हमारे लिए मुश्किल था। हमारे तो आंसू निकल रहे थे। भगवान का शुक्र है कि अब सब ठीक है। दोस्तों, ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी राशि।